सो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आप सबके मन में काफ़ी ज़्यादा ये डाउट भी होता होगा या फिर नहीं भी डाउट होता है, तो मैं आपको आज की इस वीडियो पे क्लियर करूंगा कि जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाता है तब आपको क्या क्या करना चाहिए। आपके चैनल पर कुछ सेटिंग है जो कि इनेबल हो जाता है 1K सब्सक्राइबर होने के बाद, इनेबल नहीं हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है, मतलब आप उसको इनेबल कर सकते हो। वो पहले डिसेबल्ड रहता है, आप उसको इनेबल कर सकते हो 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाने के बाद। तो ऐसा क्या क्या फीचर्स है जिसको आप इनेबल कर सकते हो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये जानना आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो ही आपका 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपका होने वाला है 1000 तो भी देख लेना, अगर हो गया है तो भी देख लो, हो सकता है आपने ये फीचर नहीं इनेबल किया हो। सो एंड तक वीडियो को दोस्तों आप लोग देखते रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो चैनल पर मिलती रहती है। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम आपको करना है 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद, वो ये कि मुझे पता है कि जब 1000 से कम सब्सक्राइबर्स होता है तो आप अपने चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स होता है वो आप हाइड करके रखते हो। श्योर है कि हाइड करके रखते हो, क्योंकि मैंने ही बोला था आज से 2 साल पहले शायद से एक वीडियो बनाया था कि सब्सक्राइबर हाइड कैसे करें, उस पर 2.5 मिलियन व्यूज़ है। तो मतलब कि समझ के सकते हो कि सब कोई अभी 1000 से कम जिसका भी सब्सक्राइबर होता है वो अपना हाइड ही करके रखता है। ये नॉलेज मैंने ही शेयर किया था YouTube इंडिया पे और ये अभी सबको ही अप्लाई करता है अपने चैनल पर। तो जब भी आप हाइड करके रखते हो, तो जब आपका 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाता है तब आप उसको अनहाइड कर देना। इससे आपका चैनल थोड़ा प्रोफेशनल लगने लगता है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है देखने में, क्योंकि 1K लिखा हुआ रहता है सब्सक्राइबर में। तो ये जो है आपका पहला काम है जिसको आपको करना है 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाने के बाद। अब जो दोस्तों दूसरा काम करना है वो ये है कि वो 100 सब्सक्राइबर्स में ही वो इनेबल हो जाता है, चाहो तो आप कर सकते हो। वो है कस्टम URL। आप अपने चैनल का कस्टम URL बना सकते हो। कस्टम URL कैसे बनाते हैं इस पर मेरे ऑलरेडी YouTube पे वीडियो बना हुआ है, मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग को जा करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। तो वो 100 सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही आप कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो 1000 कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हो। अब दोस्तों जो तीसरा चीज़ है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया और साथ ही आपका 4000 घंटा भी कंप्लीट हो गया, तब तो फिर आपको पता ही होगा कि ये दोनों क्राइटेरिया पूरा होने के बाद क्या होता है, जो कि सबसे बड़ा चीज़ होता है वो है मोनेटाइजेशन इनेबल करना। तो अगर आपका ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाता है 1000 के साथ साथ 4000 घंटा का वॉच टाइम, तो आप अपने चैनल का मोनेटाइजेशन भी इनेबल कर सकते हो। मोनेटाइजेशन इनेबल करके कैसे करते हैं इस पर भी वीडियो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पर बना हुआ है, चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो। उसमें मैंने बताया है प्रोसेस टू प्रोसेस कि कैसे आप अपने चैनल का मोनेटाइजेशन को इनेबल कर सकते हो। ये था दोस्तों थर्ड। अब दोस्तों फोर्थ नंबर का जो चीज़ है वो एलिजिबल हो जाता है आपका चैनल जब आपका 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाता है, उसके बाद वो है लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल करना। आप अपने चैनल का लाइव स्ट्रीमिंग जो होता है उसको आप जो है इनेबल कर सकते हो 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद। अब मैं बताना चाहूँगा, यूट्यूब का ये नया रूल आया था कुछ महीने पहले कि 1000 जब तक आपका सब्सक्राइबर नहीं होता है तब तक आप अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हो। लेकिन एक अल्टरनेटिव रास्ता है जहाँ से आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, वो है थर्ड पार्टी किसी एप्लीकेशन का यूज करके, लेकिन वो जो है सेफ नहीं होता है। आप YouTube का जो रूल है वो ये है कि आपका 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लो, आपके YouTube चैनल पर सेटिंग आ जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल करने का, तो आप उस दौरान उसको इनेबल कर सकते हो। ये था दोस्तों फोर्थ नंबर का चीज़। अब दोस्तों जो फिफ्थ नंबर का चीज़ है जिसको आपको एलिजिबल हो जाता है आपका चैनल, वो है सुपर चैट इनेबल करना। अब सुपर चैट का क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, सुपर चैट होता है जब आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो आपको जो है एज ए गिफ्ट आपके जो ऑडियंस होते हैं वो आपको पैसा पे कर सकता है। उसको अगर आपको आप उनको पसंद है, आपका कंटेंट उनको पसंद आता है, उनको खुश करना है आपको, तो वो लोग पैसे भेज सकते हैं, चाहे वो 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 40, 50, 100, 10-10 हज़ार, ठीक है, वो भी भेज सकते हैं। तो वो होता है सुपर चैट। तो सुपर चैट भी आप इनेबल कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर 1000 कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों इतना कुछ जो है मैंने 5 चीज़ें बताई जो कि आपका यूट्यूब चैनल एलिजिबल हो जाता है जब आपका 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होता है आपके चैनल पर। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आपका कौन कौन सा सेटिंग आपने इनेबल कर रखा है या फिर आपका 1000 सब्सक्राइबर्स ही अभी नहीं हुआ है, मुझे फीडबैक अपना जरूर देना। और आई होप आप लोग आज का ये वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही रमी कल्चर का एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेकआउट जरूर करना। चलिए आज की इस वीडियो पर इतना ही, तो जय हिंद, वंदे मातरम।